ऐसे 10 पाकिस्तानी ड्रामे जो खासे मकबूल हो रहे हैं और अपनी मुनफरद स्टोरी और उम्दा अदाकारी की वजह से पाकिस्तान समेत दुनिया भर में शौक से देखे जा रहे हैं, जहां उर्दू और हिंदी समझी जाती है। तो फिर इस वीडियो में ऐसे ही टॉप 10 पाकिस्तानी ड्रामों के बारे में बात करते हैं। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल सेलिब्रिटी स्काई पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी मिल सके। नंबर टेन पर है ड्रामा सीरियल शिद्दत। नाज़रीन, ये जियो टीवी का ड्रामा है और सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले तैयार हुआ है। और ये ड्रामा ऐसा है कि इसकी स्टोरी सीधी दिल को छू जाएगी और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये ड्रामा एक बेहतरीन ड्रामा साबित होगा। अगर आपने ये ड्रामा देखना शुरू नहीं किया तो फिर अभी से देखना शुरू कर दें। इस ड्रामा को जंजबील आसिम शाह ने लिखा है और जिशान अहमद ने डायरेक्ट किया। और ड्रामा की मेन कास्ट में मुनीब भट्ट, अनमोल बलोच ने मरकजी किरदार निभाए। और ड्रामा की स्टोरी में जहां रोमांस है वहीं पर धोखा दही, शिद्दत से किसी को अपना बनाने के बाद खुद को मिटा देना और कई अहम सोशल इशू देखने को मिलते हैं। ड्रामा सीरियल शिद्दत जियो टीवी पर ऑनियर हुआ। नंबर नाइन पर है ड्रामा सीरियल राह जुनून। नाज़रीन, ये हम टीवी का ड्रामा है और मोमल प्रोडक्शन के एंटरटेनमेंट बैनर तले बना है। राइटर रिहाना आफ्ताब और डायरेक्टर सैयद अहमद कामरान हैं। और इसकी मेन कास्ट में दानिश तैमूर और कोमल मीर ने मरकजी किरदार निभाए, जबकि इसकी स्पोर्टिंग कास्ट में हिबा अली खान, जैन अफजल, हुरिया मंसूर, अली ताहिर आगा, तलाल दूरे नियाब और महमूद असलम शामिल हैं। नाज़रीन, कास्ट अच्छी है और स्टोरी थोड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन ये ड्रामा ना तो शाकीन के दिल को जीतने में कामयाब हुआ और ना इस ड्रामे ने दानिश तैमूर और कोमल मीर की जोड़ी जमी, क्योंकि इस ड्रामे की स्टोरी मोस्टली दूसरे ड्रामों से मिलती जुलती थी और इस वजह से ये ना तो इतनी ज़्यादा TRP हासिल कर सका और दूसरा इस ड्रामे ने यूट्यूब पर भी कुछ खास व्यूज़ हासिल नहीं किए और ये ड्रामा हम TV पर ऑनियर हुआ। नंबर एट पर है ड्रामा सीरियल जुल्म। नाज़रीन, हम टीवी का ये ड्रामा है, मोमल प्रोडक्शन एंटरटेनमेंट के बैनर तले बना और राइटर रिहाना आफ्ताब और डायरेक्टर इलियास कश्मीरी हैं। और इसकी मेन कास्ट में फैसल कुरैशी, शहजाद शेख, जहर हाशमी शामिल हैं। नाज़रीन, ये एक्शन थ्रिल ड्रामा है और सोशल इशू पर मबनी एक बेहतरीन ड्रामा है, जिसमें फैसल कुरैशी और शहजाद शेख की अदाकारी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। स्टोरी भी अच्छी है और इस ड्रामे को नहीं अगर आपने देखा तो इसे ज़रूर देखें, क्योंकि कुछ अरसे बाद अहम TV पर ये एक एक्शन से भरपूर ड्रामा देखने को मिला है। नंबर सेवन पर है ड्रामा सीरियल सुकून। नाज़रीन, ARY डिजिटल का ड्रामा सीरियल सुकून आई ड्रीम एंटरटेनमेंट के बैनर तले बना। राइटर मिसबा नौशीन और डायरेक्टर सराजुल हक हैं, जिन्होंने 2023 के मेगा हिट ड्रामा सीरियल तेरे बिन को डायरेक्ट किया। इनकी मेन कास्ट में एहसन खान और सना जावेद शामिल हैं। दोनों ही की रोमांस से भरपूर अदाकारी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। ड्रामे की स्टोरी देखने वाले दिलों को छू गई है और ये ड्रामा TRP में भी और यूट्यूब पर भी अच्छा खासा पसंद किया जा रहा है। और आजकल ये ड्रामा सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी देखा जा रहा है और इस ड्रामे को ज़रूर देखें। नंबर सिक्स पर है ड्रामा सीरियल नमक हराम। नाज़रीन, ये जियो TV का ड्रामा है, प्रोडक्शन मोमल एंटरटेनमेंट ने किया, राइटर सुकलैन अब्बास और डायरेक्टर शकील खान हैं। और ड्रामा की मेन कास्ट में इमरान अशरफ और सारा खान हैं। ये दोनों ही की इससे पहले हम TV के ड्रामा सीरियल रक्से बिसवल में भी काम कर चुके हैं। इस ड्रामा में इन दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है और ये ड्रामा आजकल अवाम में काफ़ी अच्छा खासा मशहूर हो रहा है। नंबर फाइव पर है ड्रामा सीरियल बर्नर्स रोड के रोमियो जूलियट। नाज़रीन, बिग बैग एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनने वाला ये ड्रामा एक ऐसा ड्रामा है जिसकी स्टोरी आपके दिलों को छू जाएगी। इस ड्रामे में इकरा अजीज और हमजा सुहेल ने मरकजी किरदार निभाए और दोनों ही की पहली बार ऐसे ड्रामे में एक साथ काम कर रहे हैं और दोनों की रोमियो जूलियट की जोड़ी को देखने वालों ने बहुत महसूस कर दिया। ये ड्रामे ARY डिजिटल पर चल रहा। और नंबर 4 पर है ड्रामा सीरियल जाने जहां। नाज़रीन, ये ARY डिजिटल पर चलने वाला ड्रामा है, राइटर रिदा बिलाल, डायरेक्टर कासिम अली मुरीद और मेन कास्ट में आयजा खान और हमजा अली अब्बासी शामिल हैं। नाज़रीन, ये एक ऐसा रोमांटिक टाइप ड्रामा है जिसमें आयजा खान और हमजा अली अब्बासी की ना सिर्फ जोड़ी को बल्कि अदाकारी को भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है
और जैसे जैसे स्टोरी खुलती जा रही है ये ड्रामा और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। नंबर थ्री पर है ड्रामा सीरियल अखाड़ा। नाज़रीन, ग्रीन एंटरटेनमेंट तले बनने वाला ये ड्रामा अखाड़ा है। इसके राइटर शाहिद डोगर, डायरेक्टर अंजुम शहजाद और मेन कास्ट में फिरोज खान और सोनिया हुसैन। नाज़रीन, काफ़ी अरसे के बाद ये एक ऐसा ड्रामा देखने को मिला है जिसे देखते हुए मज़ा आ रहा है, क्योंकि इस ड्रामे में पाकिस्तान का एक मशहूर खेल अखाड़ा जिसमें हमें कुश्ती देखने को मिल रही है, और इस ड्रामे में फिरोज़ खान की अदाकारी ने देखने वालों के दिल जीत लिए। नंबर टू पर है ड्रामा सीरियल हई। नाज़रीन, जियो टीवी का ड्रामा, प्रोडक्शन सेवन स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनने वाला ये ड्रामा है। राइटर सकलैन अब्बास और डायरेक्टर सैयद वजाद हुसैन हैं, और इनकी मेन कास्ट में दुरे फिशा सलीम और फैसल कुरैशी शामिल हैं। ये एक एक्शन थ्रिल ड्रामा है और रोमांस से भरपूर ड्रामा है, जिसमें कबायली इलाकों के हालातों वाकयात के साथ साथ इनकी आपस की दुश्मनी को दिखाया गया है, और इस ड्रामा में एक अच्छी स्टोरी देखने को मिल रही है। आप इस ड्रामे को लाजमी देखना, क्योंकि इस वक्त ये पाकिस्तान का ऐसा ड्रामा है जो ना सिर्फ TRP की रेस में बल्कि YouTube पर भी टॉप ट्रेंड बना हुआ है। नंबर वन पर है ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद। नाज़रीन, हम टीवी का ये ड्रामा है, प्रोडक्शन मोमल एंटरटेनमेंट और राइटर अब्दुल हालिक खान है, और इस ड्रामे की मेन कास्ट में बिलाल अब्बास खान और दुरे फिशा सलीम शामिल हैं। ये एक रोमांटिक टाइप ड्रामा है, और इस ड्रामा में बिलाल अब्बास और दुरे फिशा सलीम की जोड़ी देखने वाले के दिलों पर राज कर रही है। इन दोनों की जोड़ी ने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी बेहद मकबूलियत दिखाई। यही वजह है कि ये ड्रामा आते ही YouTube पर टॉप ट्रेंड बन गया और कई मिलियन व्यूज हासिल कर रहा है, और आजकल के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले ड्रामों में ये एक ऐसा ड्रामा है जिसे आपको भी लाजमी देखना चाहिए। तो नाज़रीन, ये हैं वो 10 बेहतरीन पाकिस्तानी ड्रामे जो आजकल सबसे ज़्यादा देखे जा रहे हैं और इन्हें ड्रामों के चर्चे हैं। तो क्या आप भी इन ड्रामों में से किसी को देख रहे हैं, या फिर आपके मुताबिक कौन सा ड्रामा टॉप पर है और कौन सा ड्रामा फ्लॉप है, कमेंट सेशन में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।